अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस ईद उल फितर की तमाम आलम इस्लाम को और दुनिया के तमाम इंसानों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग को मैं ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और हमारी मस्जिद में तमाम पूरे रमज़ान शरीफ में तमाम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए दुआएं होते गई और उसी के साथ साथ बरसात की बहुत ज़रूरत है, बरसात के लिए भी तमाम नमाज़ों में दुआ की गई, तरावों में दुआ किया गई, तहज्जुद में दुआ की गई। मैं 10 दिन मुसलसिल यहाँ पर हर साल 10-15 साल से तहज्जुद का एहतमाम कर रहा हूँ। तमाम तहज्जुद में भी यहाँ पर जो है ना दुआएं की गई। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह बारिश को बरसा, रहमत वाली बरसात दे, क्योंकि इंसान तो इंसान, जानवर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पानी की बहुत किल्लत है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रहमत वाली बरसात अदा फरमाए। और इसी के साथ साथ मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तमाम आलम इस्लाम को जो रोज़े रह चुके हैं, तमाम रोज़ों को अपने फजल करम से, रहम करम से कबूल फरमाएँ, तमाम इबादतों को कबूल फरमाएँ, तमाम तरावियों को कबूल फरमाएँ, तमाम लोग जो तहज्जुद पढ़े हैं तहज्जुद को कबूल फरमाएँ। उसी के साथ साथ मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि दुनिया में जो माहौल चल रहा है, नफसा नफसी का माहौल चल रहा है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हर कौम को, हर ज़ात को, हर मोमिन को नेक और एक रहने की, आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अदा फरमाएं। और अल्लाह से दुआ करता हूँ और इसी के साथ साथ फिर एक बार ईद उल फितर की तमाम आलम इस्लाम को, तमाम दुनिया के इंसानों को, मुसलमानों को, हिंदू भाई को, सिख को, ईसाई को, यसी भाई को, सबको मैं अपनी जानिब से, हम तमाम मुसलमानों की जानिब से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास कर मेरे वार्ड नंबर 19 के तमाम लोग को मैं दिल की अमीर गहराई से ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह ताला मेरे वार्ड के लोगों को, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वार्ड के लोग की खिदमत करने की मुझे तौफीक दे, जिसका जो ज़रूरी काम है उस काम को अंजाम देने की तौफीक अदा फरमाएं।